तो भाई साहब ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भसड़ मची पड़ी है क्योंकि अनंत अंबानी की वेडिंग अभी करके खत्म हुई थी, जिससे रिलेटेड फैक्ट्स दमदार आ ही रहे थे कि बीच में एल्विस यादव और मैक्सटन का धुआंधार पंगा एकदम से लोगों के सामने आया और इस ट्रेंड को पूरा इराडिकेट करके चला गया। लेकिन शैतान मूवी अभी भी भाई ट्रेंड पर चल रही है क्योंकि मूवी को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं, बॉक्स ऑफिस में अच्छा कलेक्शन कर रही है। लेकिन आज बात करेंगे कि शैतान मूवी की एंडिंग कैसी थी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन थे। 30 मिनट का वो क्लाइमैक्स वाला पार्ट बहुत ज्यादा सर घुमा के गया। 108 लड़कियां भाई शैतान को यानी अपने आर माधवन वनराज को तहखाने में कैद कर दिया है, सड़े चूहे खाने के लिए छोड़ दिया गया है। सेकेंड पार्ट आएगा नहीं आएगा, कैसे सर्वाइव करेगा, क्या जो वसीकरण वो करके रखा था वो पूरी तरीके से टूटा है नहीं टूटा है, उसे दोबारा से लेने कौन आएगा, बहुत सारी बातें हैं। लेयर बाय लेयर चेकआउट करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब सपोर्ट की बहुत जरूरत है और आपका एक लाइक हमारे लिए फुल सपोर्ट रहेगा। जो अभी एफर्ट लग रहा है उसमें 100x की पावर एफर्ट जुड़ जाएगा, जो अगली बार और भी ज्यादा बूस्टर लेके आएगा, और भी ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्टेंट लेकर आएगा। बस आपका एक लाइक सपोर्ट बनाए रखें। शुरुआत करते हैं तो ऐसा आर माधव यानी वनराज जो कैरेक्टर अपना प्ले कर रहे हैं, अजय देवगन कबीर सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और जो अपनी मेन लीड पर है जानकी बॉडी वाला वो जानवी का कैरेक्टर रोल प्ले कर रही हैं। वनराज को तहखाने में डाल देते हैं लास्ट में कौन, अपने अजय देवगन भाई, उसकी जुबान काट देते हैं। तो ये सब की क्यों जरूरत पड़ी, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा भाई साहब ऑनलाइन ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो ओरिजिनल मूवी है वर्स वो कहीं पर भी नहीं है, उसे पूरी तरीके से इराडिकेट कर दिया गया है। तो इसके पीछे किसका बिजनेस माइंड हो सकता है, ऑब्वियसली अजय देवगन का बिजनेस माइंड हो सकता है, जो क्लेवर मूव है कि भाई अगर आपको ओरिजिनलिटी देखनी है तो यही मूवी है शैतान और बस यही देखो बस, क्योंकि यही ऑप्शन है आपके पास। वैसे एंडिंग एक्सप्लेन करने से पहले आपको ब्रीफ स्टोरी में शुरुआत से बताऊं तो वनराज यानी आर माधवन घर में घुसता है, उसे किसको जानकी बॉडी वाला को यानी जानवी को अपने वश में करता है, और कैसे भाई एक लड्डू से ही मात्र वश में उसे इतनी बुरी तरीके से वश में कर लेता है कि वो उसे अपने भाई को मारने के लिए कहती है और वो मारने भी शुरू कर देती है। चाय पत्ती खारी मतलब जो बन पड़ रहा है वो उससे करवा रहा है अपना वनराज का कैरेक्टर जो दमदार है, लेकिन 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 वो इतनी आसानी से उसे नहीं ले जा पाएगा। यहाँ पर पता लग रहा था कि भाई सब सिर्फ इसको ही क्या बस कर रखा है, भाई 108 लड़कियाँ और उसके कैद में रहती हैं, जो वो एक रिचुअल कंप्लीट करने वाला है जिसके थ्रू उसे ऐसी पावर मिल जाएगी जो इच्छा अनुसार देखते ही मतलब माइंड से ही जिसे कुछ थोड़ा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा भी भयंकर पावर उसे मिल जाएगी एक बार ये रिचुअल कंप्लीट हो जाए, जिसमें 109 लड़कियों की बलि वो चढ़ाएगा अग्नि कुंड में, भव्य अग्नि कुंड में जो लास्ट में हमें देखने को मिलेगी। और कबीर अपना कौन अजय देवगन भैया वहां जाएंगे और अपनी बिटिया को ही नहीं उन 108 लड़कियों को भी बचा कर लेके आएंगे, वो कैसे होगा। तो इससे पहले क्या जो 108 लड़कियां इसने कवर अप करी थी इतना आसान था क्या, क्योंकि 109 भी लड़कियों में जान भी आती हैं अपनी जो जान की बॉडी वाला है, तो इसको वश में करा तो चाहता तो उसके माँ बाप को भी वश में कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि रिचुअल का एक शायद नियम ये भी होगा कि ठीक है आप 108 लड़कियां कैसी भी लेके आओ, लेकिन जो 109 लड़की आएगी वो इच्छा अनुसार आएगी, किसके, उसके पेरेंट्स के द्वारा, और पेरेंट्स कौन है अजय देवगन और ज्योति का, लेकिन वो इच्छा अनुसार दे तो देती हैं। पर क्या इतना आसान है वनराज के लिए कि वो रिचुअल को कंप्लीट कर ले, नहीं, क्योंकि कबीर वहां पर पहुंच जाता है और उसकी जुबान काट देता है और उसके पास जो गुड़िया होती है जिसके थ्रू वो सारी लड़कियों को वश में करके रखता है उससे वो वशीकरण फिलहाल के लिए टूट जाता है। ये शैतान मतलब वनराज जो ऐसे खूंखार घूम रहा है खुलेआम, तो इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला, क्योंकि 108 लड़कियों को जब ये लेकर आया होगा तो क्या उसके पेरेंट्स भी इतने मतलब इच्छा अनुसार ही भेजा होगा, सेंस नहीं बनाता है, क्योंकि ये जो लड़कियां हो सकती हैं शायद ये अनाथ हों, दैट्स वाई कि किसी को इसके बारे में पता भी ना चला हो, क्योंकि जब जानकी बॉडी वाला को ये लेके जाता है तो इतनी आसानी से ये लोग अपनी लड़की नहीं देते हैं, जब ये बाद में ये इच्छा अनुसार दे भी देते हैं तो कबीर अपना अजय देवगन भाई बाद में पीछे पीछे जाता भी है, जो सेंस बनाता है कि अगर उन 108 लड़कियों के पेरेंट्स होंगे तो कहीं ना कहीं FIR या कुछ भी ऐसे सुराग छोड़ते कि भाई हमारी लड़कियां गायब है, बट उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वनराज को भाई इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस झेलना पड़ा, क्योंकि उसको मतलब जो भी 109 लड़की जो भी आएगी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए जो जानकी बॉडी वाला थी, और इच्छा अनुसार भाई साहब उसके पेरेंट्स उसे देने चाहिए जो बाद में दे देते हैं। बस ये है एंडिंग, और इसके पीछे भाई क्या सेकंड पार्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि कहानी कहाँ पर छोड़ी गई है, भाई वनराज को तहखाने में कैद कर देता है कौन, अजय देवगन जो भाई
पहले हेल्पलेस कैरेक्टर था, लेकिन बीच बीच में इतनी सारी चीजें वो कर देगा, क्योंकि उसने क्या करा, रिकॉर्ड कर ली थी आर माधवन की आवाज को, जहां पर उसे वशीकरण को तोड़ने में वो फिर जो टेप चलाता है जिससे वो वशीकरण टूटता है, क्योंकि वो तो जवान काट देता है उसकी, ताकि वो मंत्र वगैरह जाप ना कर पाए, और वो सफल भी हुआ। लेकिन बाद में जब उसे तहखाने में कैद कर देता है, उसके सामने चूहे पड़े हैं, और वहां कहानी छूट जाती है। तो शैतान का सेकंड पार्ट भी आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अब सेकंड पार्ट में कहानी क्या हो सकती है भाई, बहुत कुछ हो सकता है। हु नोज कि ये जो आर माधवन है इसके पीछे कोई चेला चपाटा हो। स्टोरी दमदार है, एंडिंग दमदार है, जाओ देखो भाई, मूवी दमदार चल रही है और दमदार बिजनेस भी कर रही है। और भी कुछ क्या ये लोग ऐड कर सकते थे जरूर बता के जाना। फिलहाल मेरे हिसाब से भाई साहब जो एंडिंग थी फाइन थी, बिल्कुल चरम सुख देकर गई है। दूसरा, अगर आपने भी मूवी देख ली है तो जो 109वीं लड़की यानी अपनी जानवी यानी अपने अजय देवगन की बिटिया रानी, इसमें ऐसा क्या खास था कि इसी लड़की को चाहिए। दूसरा, इसके सेकंड पार्ट के लिए कितना वेट, मिलते हैं अगले वीडियो पर। चाहिए।